देख रहे हो विनोद, दिल्ली का क्या हाल हो रखा है इस टाइम। धुआं धुआं चारों तरफ। पिछले 2-3 दिनों से ना दिल्ली में पोल्यूशन इतना बुरा हाल कर रखा है ना भाई साहब, मैं बता नहीं सकता कि कोहरे से भी ज़्यादा बुरी हालत है पोल्यूशन की वजह से। विजिबिलिटी ठीक है तो दिख रहा है, लेकिन जो मेरे साइड में देखो, ये सब क्या कोहरा नहीं है, ये सब पोल्यूशन है। बहुत ही ज़बरदस्त तरह का ज़बरदस्त पोल्यूशन हो रखा है दिल्ली में इस टाइम, क्योंकि अब विंटर स्टार्ट हो चुकी है और विंटर में हो जाता है बुरा हाल। अब कोई ठोस कदम नहीं उठाता, जनता मरती है तो मरने दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो पूरा वाइट वाइट हो रखा है, और ये सारी जितने भी हार, ये पोल्यूशन में क्या है, धुआं, हार्मफुल गैसेस, और सबसे बड़ा रीजन जो है पोल्यूशन का वो है ऑटोमोबाइल, क्योंकि गाड़ियाँ जो चलती है ना, इससे जो धुआं निकलता है वो है सबसे बड़ा रीज़न इस पोल्यूशन का। कंस्ट्रक्शन वर्क ठीक है, चल रहा है, लेकिन जो मेजर पोर्शन है ना इस पोल्यूशन का, अब अगर आप इसकी जांच कराओगे इस धुएँ की, किसी एयर का सैंपल लोगे ना और उसकी जांच कराओगे, उसमें ज़्यादा वही गैसेस निकलेगी जो ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट से निकलती है। तो एक बड़ा पोर्शन जो है यहाँ पर वो है ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट का, धुएँ का। मैंने पहले बताया था कि दिल्ली इतनी ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड है ना, लगता है कभी कभी सड़क पर देख करके लोगों से जाता तो लोगों सड़कों पर गाड़ियाँ नज़र आती है, इतनी ज़्यादा ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना, सच में लगता है भाई जनता से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं दिल्ली में। अब अंदाज़ा लगा लो कि लोगों से पहले ही ओवर पॉपुलेटेड है दिल्ली, और मैं कह रहा हूँ कि गाड़ियाँ ज़्यादा दिखती हैं तो क्या हाल होगा। तो हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी लोगों को एक टाइम पास व्लॉग में। हाँ टाइम पास व्लॉग ही है। अभी देखो देखो कितना बुरा हाल हो रखा है। अब यहाँ पे कोहरा नहीं है भाई साहब, मैं पहले बता रही हूँ, कोहरा नहीं है, ये सारा पोल्यूशन है। और देखो सूरज को देखो, पूरा लालम लाल हो रखा है, एकदम बिल्कुल डार्क ऑरेंज, मतलब विजिबिलिटी इतनी डाउन कर दी ना पोल्यूशन ने भी, ये सूरज दिन में भी नहीं निकल पा रहा अच्छे से। क्या कर सकते हैं बताओ। और इस हाईवे चलते हुए मैं विजुलाइज कर रहा हूँ कि काश मैं किसी ट्रिप पर हूँ, और मैं अब जा रहा हूँ अपने डेस्टिनेशन में जाते हुए चूज किया इस हाईवे पे चल के। ऐसे लगता कभी कभार जा रहा हूँ अपनी बाइक को लेके, निकल पड़ा हुआ एक अगली यात्रा पर यात्रा हो नहीं पा रही। देखो राजघाट पावर प्लांट का जो चिमनी है ना वो भी नजर नहीं आ रही क्लियरली, लिटिल कुतुब मीनार। अब मैं एक ना शायद मैं बहुत जल्दी एक बहुत अच्छे टू व्हीलर का एक रिव्यू लेके आने वाला हूँ चैनल पर, और मैं बता दूँ वो कौन सा। मेरे ऑफिस में कलीग है, उन्होंने अभी अभी लिया है यामाहा एरोक्स 155, आप लोगों को पता ही होगा कितना ज़बरदस्त मशीन है वो, तो उसका रिव्यू मैं लेके आने वाला हूँ जल्दी ही यूट्यूब पर। तो अगर आपको देखना है पूरी तो डिटेल वीडियो आपको जल्दी ही अपलोड कर दूंगा चैनल पर। तो अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से दबा लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ कोई भी न्यू वीडियो तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो हो सकता है सैटरडे या संडे ही मैं उनके पास जाऊँ, है तो मेरे पास ही, गाज़ियाबाद में रहते हैं वो, मेरे घर से करीब 8-9 किलोमीटर दूर। तो हो सकता है मैं इस सैटरडे या संडे में उनसे मीटिंग फिक्स करूं और एक यामाहा एरोक्स का प्रॉपर एक वीडियो बनाऊं और वहां पर टेस्ट राइड भी लूंगा कि किस तरह परफॉर्म करता है। हालांकि देखो बहुत ज़बरदस्त मशीन है यामाहा एरोक्स 155, टूरिंग करो, सिटी में कम्यूट करो,
और थोड़ी बहुत अगर एडवेंचर भी करना था वो भी आप कर सकते हो। बहुत अच्छा स्कूटर है, या मैंने एक बनाया ना परफेक्ट मशीन बनाई है, तो उसका रिव्यू जल्दी लेके आऊँगा। सूर्यदेव भगवान को जो ढक लिया इतना ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है, गदर बचा रखा है पुलिस ने, गदर। अब मुझे लगता है ना सर्विस सेंटर विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मैं सर्विस सेंटर नहीं गया। रीज़न ये है कि एक दो चीज़ जो टूट फूट गई है वो मुझे डलवानी है। चेन क्लीनिंग मैंने काफ़ी लंबे टाइम से मैं सर्विस सेंटर नहीं गया, चेन क्लीनिंग के लिए घर पे करता हूँ वैसे तो काफ़ी टाइम हो गया, तो अब सर्विस सेंटर जाऊँगा, चेन टाइटनिंग भी करा के आऊँगा। और मुझे लगता है ना बाइक में दम सा नहीं रहा यार थोड़ा ना, क्योंकि लगभग मैंने 22,500 के आसपास लास्ट सर्विस करवाई थी, और अभी जो किलोमीटर है अभी मैंने क्लॉक कर रखे हैं 27,842, तो लगभग 6,000 के आसपास अपनी बाइक चल चुकी है, और सर्विस का टाइम भी आने वाला है आई थिंक 6,000 पे हो जाती है। तो अब ये देख लो, कोई इन लास्ट 6,000 किलोमीटर को मैंने सिटी कम्यूटिंग में ही क्लॉक किया है, कहीं भी मैं ट्रिप पर नहीं जा पाया हूँ, जो कि बहुत सैड बात है मेरे लिए यार, मैं नहीं जा पाया किसी भी ट्रिप पर। कोई नहीं, जब टाइम आएगा ज़रूर निकलूँगा। बट ये यार बाइक में ना थोड़ा ग्रंट सा नहीं रहा, पर ग्रंट सा ख़त्म हो गया, मुझे लगता है ना वो ये सर्विस का टाइम है, इंजन ऑयल है वो भी पुराना हो गया होगा, और फिल्टर तो मैंने खुद ही चेक करा था अभी घर पे ही, तो वो तो पूरा ब्लॉक हो रखा है। हालांकि मैं थोड़ा बहुत क्लीन किया था ब्रश को लेके, जितना हो पाया कर दिया, बट अब वो चेंज ही करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर, और एक बार मैं देख लूँगा अपनी जो लास्ट सर्विस कब हुई थी, तो एक बार ही चला जाऊँगा, सर्विस भी करा लूँगा, और ये जो छोटे मोटे एक दो चीज़ टूट फूट गई है वो चेंज करा लूँगा। हालांकि बाइक ने मुझे अभी कहीं कहीं भी मतलब धोखा नहीं दिया, डिच नहीं किया इस बाइक ने, इस बाइक की बहुत ही ज़बरदस्त बात यह है कि यार इस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हो, कहीं पर आपको ये बीच में चाहे सर्विस अब डिले ही क्यों ना हो जाए ये आपको डिच नहीं करेगी, ये अच्छी बात है यार इस बाइक की। कम से कम होंडा की रिलायबिलिटी, ये इसलिए होंडा जाना जाता है। ठीक है यार प्रोडक्ट में 10 कमियाँ हैं, लेकिन जो एक पीस ऑफ माइंड है ना वो तो कम से कम आपको यहाँ पर मिल जाता है। अभी ये भी लगवाने पड़ेंगे मुझे ना, जो ग्रिप होती है हैंडल, जो ग्रिप होती है भी डलवाऊँ, क्योंकि अब मेरा इस हाथ में प्रेशर आ रहा है, देख लो मेरा हाथ थोड़ा लाल हो गया है, अभी पता नहीं किस वजह से प्रेशर आ रहा है, एक बार बोलूँगा जाके क्या दिक्कत है, या फिर मैं इसमें जो ग्रिप लेदर ग्रिप डलवा के एक बार ट्राई करूँगा कि क्या रिजल्ट निकल के आता है। वैसे तो इसकी जो कहते हैं अलाइनमेंट हैंडल बार की अलाइनमेंट तो बिल्कुल ठीक है, मैंने हाई स्पीड पर हैंडल छोड़ के भी बाइक चलाई है, तो किसी तरह की कोई समस्या तो मुझे दिखी नहीं। बाकी एक बार चेक कराऊंगा कि क्या दिक्कत है, कि मेरे साथ में प्रेशर क्यों आ रहा है। टायर प्रेशर भी मैंने देखा वो भी ठीक है, एक बार दोबारा चेक करा लूँगा। कई बार होता है टायर प्रेशर कम होता है तब भी ये दिक्कत आती है। चलो यार दोस्तों अभी वीडियो को यहीं करता हूँ दी एंड, क्योंकि अब ऑफिस आने वाला है, ऑफिस ने वहाँ पर ऑफिस के आसपास जाकर मैं कैमरा वगैरह निकाल लेता हूँ, तो अब यहीं अलविदा कहने का समय आ चुका है इस वीडियो के लिए। तो भाई यार मिलता हूँ किसी नए वीडियो में वेरी सून, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और अपनी रिकॉर्डिंग हम यहीं से स्टॉप करते हैं, चलो एक बार वॉइस कमांड देते हैं, GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। Thank you.